आतंकी हमले में शहीद महाराजगंज का लाल पंकज त्रिपाठी का पार्थिव शरीर अभी कुछ देर में यहाँ महाराजगंज की त्रिमुहानी नदी में यहाँ पहुँचने वाला है, शांति स्थल पर पहुँचने वाला है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करेंगे। वहाँ पे भारत के शहीद जवानों में से बहुत ही वीर सपूत थे पंकज त्रिपाठी, उनके बारे में आप सब क्या जानते हैं और क्या राय है आपकी कि इस आतंकी हमले का बदला भारत कैसे लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पंकज त्रिपाठी जो हम लोग के बीच में नहीं रहे हमारे जनपद के, उनके जैसे 41 लोगों का कल आतंकवादियों द्वारा नरसंहार किया गया है। मैं इसे नरसंहार ही कहूँगा और हम सब यह भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कृत्य के लिए, ऐसे कुकृत्य के लिए पाकिस्तान और भारत के अंदर छुपे हुए जिन जो भी गद्दार हैं उन सारे गद्दारों को निश्चित तौर पर ढूंढ के मारने की आवश्यकता है। जैसा कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में स्पष्ट रूप से कहा था कि जिन लोगों ने यह कृत्य किया है उन लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हमें पूरा विश्वास है, हम सब पूरे देश के 130 करोड़ जनता सरकार के साथ है और निश्चित रूप से इन सारे कुकृतियों का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देने की आवश्यकता है और यह दिया जाएगा। जब जब लोगों को मालूम चला कि महाराज उनका लाल भी इस आतंकी हमले में शहीद हुआ है तो पूरा जिला जो है, पूरे जिले में कोहराम मच गया और लोगों की भीड़ आनी शुरू हो गई। वहाँ गाँव में, गाँव के बाद से अब यहाँ पार्थिव शरीर यहाँ लाया जा रहा है, थोड़ी देर में ही यहाँ पार्थिव शरीर लाया जाएगा। कुछ और भी लोग हैं, इसे जानेंगे पंकज त्रिपाठी के बारे में। सेना के जवान जो शहीद हो रहे हैं, इस पर क्या राय है आपकी? जवान जो शहीद हो रहे हैं ये बिल्कुल निंदनीय कार्य है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है, चाहे आतंकवादी हों चाहे संगठन हों, सब उनके अंडर ही काम करते हैं। तो मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि इस पर कोई ज़बरदस्त एक्शन ले ताकि आइंदा ये काम पाकिस्तान चाहे आतंकवादी कोई भी संगठन करने से पहले ये सोचे। किस तरह का एक्शन लेना चाहिए भारत सरकार, भारत सरकार को इससे कि ये आतंकी हमले रुके या फिर ऐसे ना हो? सरकार को एक्शन लेना चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दिया है, इस पर आपका क्या राय है? क्या इससे गतिविधियां कम होंगी आतंकी हमले की? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।